नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली में जो विधायी शक्तियों का टकराव, विधायी शक्तियां क्या होती हैं। देखिए, विधायी शक्तियां मतलब पावर, यानी कि दिल्ली में कानून बनाने की पावर सबसे ज्यादा किसके पास रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो व्यक्ति नियुक्त किया जाते हैं उनको कहते हैं LG, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, एलजी के पास पावर ज्यादा रहे। या फिर दिल्ली के अंदर आपको पता है कि विधानसभा है, विधानसभा की यानी वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, तो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहे। और यहां पर कहीं ना कहीं एक पक्ष जो यहां कहता आया है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, उनके पास जो है वो पावर ज्यादा रहनी चाहिए। और ये हमेशा हमें एक टकराव दिखता ही रहा है। अगर दिल्ली सरकार इसके अंदर जो पार्टी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर जो पार्टी, अगर ये सेम पार्टी है तब तो कोई भी टकराव हमें देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है तब तो ये टकराव हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी है, तो हमेशा आम आदमी गवर्नमेंट के द्वारा यानी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये आरोप ये लगाते रहे हैं कि एलजी जो है इनको काम नहीं करने नहीं दे रहे। और एलजी कहीं ना कहीं इनका रेफरेंस होता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एलजी को नियुक्त कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह के ऊपर ये काम करते हैं। तो इन्होंने हमेशा आरोप लगाए हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही हमको दिल्ली के अंदर। अब यहां पर हम बात करेंगे सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, क्या दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्होंने अपने वर्डिक्ट भी दिए हैं। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। PDF के लिए आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए, दिल्ली को जैसे आपको पता है राज्य का दर्जा तो प्राप्त है नहीं, और दिल्ली के अंदर आपको ये केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ यहां पर विधानसभा भी है, यानी एक निर्वाचित गवर्नमेंट भी आती है यहां पर, और साथ ही साथ इसको LG के द्वारा भी, LG जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है यहां पर, वो भी होते हैं। तो दो हो गए यहां पर पावर को इस्तेमाल करने वाले, एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, एक LG हो गए। तो इन दोनों के बीच में हमेशा ये टकराव देखने को रहा है कि भैया पावर किसके पास ज्यादा रहेगी। तो यहां पर दोनों के बीच में काफी टाइम यानी ये विवाद हुआ कि जो यहां पर एजेंसीज हैं, कौन कौन सी एजेंसीज है दिल्ली के अंदर, जैसे ये होगी हमारे सामने एंटी करप्शन ब्यूरो, सिविल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है यानी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो एजेंसीज है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें हमारी दिल्ली को चलाना है सही ढंग से, तो इन एजेंसी का हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इधर सेंटर ने कहा है कि ये एजेंसी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास रहेगी, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी मतलब कि राजधानी भी है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने मना कर रखा है, तो इसको लेकर ये हमेशा विवाद में रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा विवाद यहाँ आ जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, इसके अंदर संशोधन कर दिया गया अभी हाल ही में 2021 में, जिसमें यह बताते हैं कि अभी कोई संघर्ष, ये जो पावर का जो संघर्ष है वो खत्म नहीं होगा, अभी चलेगा। इन्होंने इस प्रपोजल में कहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो टर्म गवर्नमेंट है, इसको बदल कर इसका मतलब हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बात बोल दी। और साथ ही साथ कहा कि दिल्ली सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वहां पर इनकी यानी LG की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर बात आती है कि फिर चुनी हुई सरकार का मतलब ही क्या रह जाता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा शासन होना चाहिए, लोगों ने चुनकर भेजा हुआ है, तो जनता से तो बड़ा कोई नहीं है ना। तो अगर आप इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, तो फिर से पावर का ये जो टसल हमें देखने को मिल रहा है। अब नई दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे संविधान के स्केड्यूल 1 के अंदर कहा गया है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, और वहीं 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें हमारे संविधान के अंदर 239AA इस आर्टिकल को जोड़ा गया, और इस आर्टिकल में कहा गया कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी होगी। ओके, अब यहां पर 69th अमेंडमेंट एक्ट जिसमें
239AA यानी 239AA आर्टिकल जब ये जोड़ा जाता है, इसमें कहा जाता है कि एक उपराज्यपाल होंगे यानी एक एलजी होंगे जिनके द्वारा प्रशासित यानी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा दिल्ली का, लेकिन ये एड एंड एडवाइज यानी सहायता और सलाह पर काम करेंगे जो निर्वाचित विधानसभा यानी जो निर्वाचित गवर्नमेंट होगी उनकी सलाह एंड एडवाइस पे काम करेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके एड एंड एडवाइस के ऊपर, यानी सलाह और सहायता उनकी, उनसे वो काम करते हैं, उनसे सहायता लेकर उनकी सलाह लेकर वैसे काम करते हैं। ठीक ऐसे ही एलजी काम करेंगे दिल्ली के अंदर। अब यहां पर दिल्ली के अंदर आपको पता है कि पूर्ण रूप से पावर नहीं दी गई है दिल्ली सरकार को, मतलब जैसे पुलिस हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था होगी, जो लैंड हो गए, ये पावर इनके ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती। आपने सुनते भी आए होंगे कि जो अरविंद केजरीवाल है वो ये बार बार कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर कर दीजिए, पुलिस हमारे अंडर कर दीजिए। तो पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार यानी जो आम आदमी गवर्नमेंट बनी हुई है उनके अंडर में ये नहीं आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जाती है। तो यहां पर इनके ऊपर कोई कानून नहीं बना सकते। बाकी जो विषय है उनके ऊपर जब वो कानून बनाते हैं और यहां पर उनकी सहायता और सलाह पर जो एलजी है वो काम करेंगे, बाकी इन तीन विषयों को छोड़कर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा आर्टिकल 239AA यह भी कहते हैं कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी संदर्भ में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। यह मतलब सिंपल सी बात है, वो सलाह और सहायता पे काम करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट में, कौन, एलजी, या फिर प्रेसिडेंट ने जो काम कहा उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे और इसके लिए वो बाध्य हैं, कौन बाध्य हैं, एलजी। अब साथ ही आर्टिकल 239AA इसके अनुसार उपराज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद के कोई निर्णय में यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया, कोई कानून बनाया, अब उपराज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अपने पास उस निर्णय को या उस लॉ को अपने पास रिजर्व रख सकते हैं राष्ट्रपति के लिए कि भाई हम ये राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, वो उनके ऊपर डिसीजन लेंगे और इसलिए मैं अपने पास इस विषय को रख रहा हूं। और जैसे ही ये विषय उपराज्यपाल अपने पास रख लेते हैं यहां हमें ये देखने को मिलता है कि सत्ता संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, यानी पावर का टसल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना यानी कि अरविंद केजरीवाल का कहना कि मैं यहां पर काम करना चाह रहा हूं और मैंने कोई कानून बनाया और कानून बनाया तो एलजी ने उस कानून को अपने पास रख लिया, ये कहते हुए क्योंकि मेरे पास पावर है इस कानून को आरक्षित यानी कि संरक्षित मतलब कंसिडरेशन करने के लिए कि मैं प्रेसिडेंट के पास इसको विचार करूंगा कि प्रेसिडेंट जो है इनके ऊपर अपनी सहमति बताएंगे कि ये आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये अपने पास रख लिया और ये कानून वहीं अटक के रह गया, तो मैं काम कैसे करूं, ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्णय भी लिया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये बात साफ बोल दी कि जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दिल्ली स्थित है उसको तो हम राज्य का दर्जा तो वैसे ही नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ दे दिया। साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, एक बेंच का गठन किया, 5 न्यायाधीश उस बेंच के अंदर हुए और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए और इस निर्णय को या फिर इस जो बेंच है इसको जाना गया एनसीटी वर्सेस यूओआई केस 2018, जिन्होंने काफी सारे हमारे सामने कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ नए चैप्टर्स जुडिशियल के न्यायशास्त्री के नए अध्याय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है, न्यायालय ने यानी कोर्ट ने कहा है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ 69th अमेंडमेंट जिसके अंडर 239AA ये जो आर्टिकल जोड़ा जाता है, एक्चुअल में इसको इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने ये बोला कि इसका मतलब ये है कि संघवाद और लोकतंत्र ये सिद्धांत शामिल है, मतलब कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इतनी पावर नहीं है जितनी जो दिल्ली को दी गई है और यहां पर दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट इन दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा कॉन्स्टिट्यूशनली। और साथ ही साथ उपराज्यपाल को यहां पर कहा गया कि उपराज्यपाल जो अपनी सहायता और सलाह पर कार्रवाई करते हैं और यहां उनको कोई भी जो ये निर्णय है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया कोई लॉ लिया और
उस निर्णय को वो क्या कर लेते हैं, अपने पास आरक्षित रख लेते हैं, ये कहते हुए कि मैं इस निर्णय को प्रेसिडेंट के पास लेके जाऊंगा और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना सहमति बताएंगे या फिर कहेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से कंसीडर करना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अपने पास रख लेता हूं। तो कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप हर निर्णय को अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ स्पेशल या असाधारण उन परिस्थितियों के अंदर अपने पास इस पावर का यूज कर सकते हो। हर मामले को ही आप प्रेसिडेंट के पास नहीं ले जा सकते, फिर तो आप काम ही नहीं करने दोगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको। और साथ ही कहा कि जो उपराज्यपाल है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे, ना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप उसके बीच में विरोध आ रहे हो, विरोधी बन के काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और नई दिल्ली को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि नई दिल्ली को जो हम राज्य का दर्जा तो हम दे ही नहीं सकते, इन्होंने ये बात साफ बोल दी। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, देखिए कहा गया है कि संवैधानिक विश्वास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट इसके तहत ही आगे बढ़ना होगा, जो फेडरलिज्म की जो कल्पना की गई है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। और यहां पर एक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी इस सिद्धांत का नाम लिया गया है कि इस प्रिंसिपल में जो ये जो प्रिंसिपल है ये संघवाद का संस्थापक है। संघवाद यानी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब यह होता है कि सेंटर जो है अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करेगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब जो राज्य हैं उनको पावर दी जाएगी कि यहां पर अपना प्रशासन ये अपने ढंग से चलाएं। और यहां पर और डिसेंट्रलाइज किया जाता है कि राज्य के अंदर जो पंचायत है, जो नगर निगम है, उनको पावर दी जाती है कि वहां पर वो लोगों के लिए और अच्छे से काम करें। इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं और इसका संस्थापक माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी। और ये कहा गया कि आपको इस सिद्धांत का पालन करना होगा और जो उप्र जो उप्र सरकार क्या होती है, मतलब कि सब नेशनल गवर्नमेंट होती है, सब नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, इनको बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब हुआ कि जो जितनी भी सिटी गवर्नमेंट है उनको आप पावर और ज्यादा से ज्यादा दीजिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। और साथ ही कहा कि भारत को जकार्ता, सियोल से लेकर लंदन और पेरिस जैसे महानगरों का अनुसरण करना चाहिए जहां पर मजबूत उपराष्ट्रीय सरकारें हैं, यानी कि सब नेशनल गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सब संभालती है और यहां पर इन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर रखा है कि यहां पर जो राज्य है इनको भी पावर दे रखी है और राज्य के अंदर जो और जो सरकारें हैं जैसे पंचायत होगी, नगर निगम होगी, इनको भी और ज्यादा पावर दे रखी है। साथ ही सरकार ने जो कहा ये इसमें जो बात बोली गई है कि जो यूनियन टेरिटरी है इनको आप और ज्यादा पावर दीजिए ताकि ये प्रशासन को और अच्छे तरीके से चला सके। उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली का जो पावर को लेकर जो इनके बीच में टसल चल रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ के लिए फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ही पसंद आई है तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को एज वेल एज चैनल को भी। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।